वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, वी विल डिमांड फॉर द कॉम्पेंसेशन ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि कल कोई भी हो सकता है. We want this issue to not be repeated again. We do not want any more dead bodies, and we should take this as a wake-up call. How many demand we have written? Companies should get minimum 1 crore for casualties. And those injured, 50 lakh, they should get. ये देखिए, अभी ऑलरेडी हम लोग जो है शाम से एक्शन शुरू किया है. अभी 3 यूनिट्स की हमने क्या कहते हैं बेसमेंट हमने की है, क्लोज की है. बाकी आने वाले दिनों में वी आर टेकिंग एक्शन. लेते हुए कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को अरेस्ट किया. एमसीडी ने कुछ प्रॉपर्टी सील भी की. तो ये तमाम जो कार्रवाई है प्रशासन, इससे संतुष्ट है आप? नहीं, आप देखेंगे आसपास भी कोई एमसीडी ने एक्शन लिया है. आप देख रहे रास्ते कैसे हैं. अगर फिर से बारिश हो जाएगा फिर से वही सिचुएशन आएगा. ड्रेनेज कोई भी क्लीन नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है. और जो राउस का स्टेटमेंट भी आया है, हमारे हाथ में ही पड़ा इंस्टीट्यूशन का. कोई कॉम्पनसेशन, आप दुखी हैं, सब लोग दुखी हैं, सब दुखी है. क्यों नहीं कोई दुखी होगा, किसी फैमिली ने अपने बच्चा खोया है. बट आपने कॉम्पनसेशन का कहाँ बात किया है? एक्चुअली में तो वो बात है ना, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का कहाँ अपोलोजाइज कब किया है कि वी आर सॉरी, इट वॉज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ वी विल कॉम्पनसेट फॉर द लाइफ ऑफ आवर चिल्ड्रन. कहाँ लिखा है आपने? बच्चों को इतना, जो आउटस्टेशन बच्चा होता है उसके पेरेंट्स उसको इतना ट्रस्ट के साथ भेजते हैं कि यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स हैं, यहाँ पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, वो हमारे बच्चों का ख्याल रखेंगे. बट यहाँ पर इतना मिसट्रीट हुआ जाता है लैंडलॉर्ड्स द्वारा, कोचिंग इंस्टीट्यूशन द्वारा. सॉरी बोल के क्या होगा कि मतलब ठीक है गलती हो गया, हम मानते हैं, वेरी सैड अबाउट इट. वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, वी विल डिमांड फॉर द कॉम्पनसेशन ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि कल कोई भी हो सकता है. इनके इंसिडेंट से पहले, 2 दिन पहले एक और हमारे साथी थे जिनके साथ सेम इंसिडेंट हुआ इलेक्ट्रिक शॉक से. वो भी मेंस दिख रहे थे, ये भी मेंस दिख रहे थे. तो उनके साथ ये हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है ना. हमें चलते हुए अब डर लग रहा है किसी वायर को टच कर लिया, कल दिन हम होंगे उनमें से. तो इसके अलावा उनको हम बात कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं, आप लोग हम लोगों से बात करिए. हम लोग यहाँ पर पूरे साल रहते हैं, पॉलिटिशियंस 2 मिनट आते हैं, अपने बाइट देते हैं और चले जाते हैं. हम स्टूडेंट्स हैं, हम पूरे साल रहते हैं, आप हमसे बात करिए. आप बात करने ही नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? आप स्टूडेंट्स का डिमांड तभी जान पाएंगे ना जब आप हमारे बीच में आएंगे. और क्या हम यहाँ के वोटर्स नहीं है क्योंकि हम आउट स्टेशन है, इसलिए आप बात करने नहीं आ रहे हैं हमसे क्या? बिकॉज वी आर नॉट द वोट बैंक. हम पिछले 2 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई ऑफिशियल हमसे मिले नहीं एमसीडी का. आप देख सकते हैं हर जगह गंदगी है. अभी मौसम अच्छा हो रहा है, अगर आधे घंटे 1 घंटे बाद से आपको हालत दिख जाएगी कितना पानी भर जाता है यहाँ पे, पूरा वाटर लॉगिंग हो जाएगा. हमारी डिमांड हमने लिखा था, उनको डिमांड कल से डीसीपी साहब को शाम से दे चुके हैं कि हमारी डिमांड थी जिन जिन कैजुअलिटीज उन्हें पता चले, जो जो लोग इंजर्ड थे उनके बारे में पता चले, कहाँ पे किस हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या कुछ है, एफआईआर की हमें कॉपी मिले, क्या एक्शन है. अभी जो कंडोलेंस लेटर इन्होंने निकाला गया रहा है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वी आर सैड. उन्होंने कुछ अपोलाइज नहीं करा कि हमारी गलती है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो. दूसरी बात, कोई कंपनसेशन की बात नहीं करी. हमने डिमांड में सब लिखा है कंपनसेशन मिलना चाहिए मिनिमम 1 करोड़ फॉर कैजुअलिटीज, जो इंजर्ड उनको 50 लाख तो उनको मिलना चाहिए, राइट है. दूसरा हमने बोला कि सीवेज की दिक्कत यहाँ पे बहुत रहती है इलेक्ट्रिक वायर्स की, ना तो सीवेज का कोई काम कर रहा है एमसीडी, ना कोई इलेक्ट्रिक वायर्स पे कोई काम हो रहा है. बेसमेंट में हर जगह लाइब्रेरी है. मान लो उस आज यहाँ पे हादसा हुआ है, कल किसी और लाइब्रेरी में पाना भर जाए, बारिश तो होगी, मानसून सा रखा है, हर साल आता है, लोग पता नहीं हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हर बार बारिश में ये दिक्कत होता है. ये वजीरा बड़ा बाजार रोड का, इसको बड़ा बाजार रोड बोलते हैं यहाँ पे राजेंद्र नगर में. आगे जो चौक है ना, हर साल बारिश में पानी भर जाता है. जो लोकल उससे पूछ लो, रिक्शा वाले, कई ऐसी जगह यहाँ पे जहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, इसका कोई समाधान नहीं होगा जब तक एमसीडी से. तो हम कैसे हमारी लाइफ को सेफ समझो, इतनी दूर से आ रहा है, पेरेंट्स ने हमें भेज रखा है यहाँ पे, तो कोई बेनिफिट है हमारे यहाँ पे?
हैव रेज्ड आवर डिमांड्स, वी हैव गिवन देम टाइमलाइन फॉर द डिमांड्स. हमारी डिमांड जैसे कि उन्होंने बताया, हमारी 6 डिमांड्स है. हमें प्रूफ ऑफ लाइफ चाहिए ऑफ द सर्वाइवर्स. वी ऑल्सो वॉन्ट द डिटेल्स ऑफ द डिजीज्ड. वी ऑल्सो वॉन्ट कॉपी ऑफ द एफ आई आर. वी ऑल्सो वॉन्ट एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी टू बी अगेंस्ट ऑल द कल्प्रिट्स. एंड वी वॉन्ट दिस इश्यू टू नॉट बी रिपीटेड अगेन. वी डू नॉट वॉन्ट एनी मोर डेड बॉडीज. एंड वी शुड टेक दिस एज अ वेकअप कॉल दैट इसके रिगार्डिंग कुछ तो एक्शन या रिजोल्यूशन लिया जाए. पटेल नगर की डेथ वॉज नॉट इनफ, दिस डेथ इज नॉट इनफ, वेन विल वी टेक एक्शन. देखिए अभी ऑलरेडी हम लोग जो है शाम से एक्शन शुरू किया है. अभी 3 यूनिट्स की हमने क्या थे बेसमेंट हमने की है, क्लोज की है. बाकी आने वाले दिनों में वी आर टेकिंग एक्शन. पुलिस ने एक्शन लेते हुए कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को अरेस्ट किया. एमसीडी ने कुछ प्रॉपर्टी सील भी की. तो ये तमाम जो कार्रवाई है प्रशासन, इससे संतुष्ट है आप? नहीं, आप देखेंगे आसपास भी कोई एमसीडी ने एक्शन लिया है. आप देख रहे रास्ते कैसे हैं. अगर फिर से बारिश हो जाएगा फिर से वही सिचुएशन आएगा. ड्रेनेज कोई भी क्लीन नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है. और जो राउस का स्टेटमेंट भी आया है, हमारे हाथ में ही पड़ा इंस्टीट्यूशन का. कोई कॉम्पनसेशन? आप दुखी हैं, सब लोग दुखी हैं. सब दुखी है, क्यों नहीं कोई दुखी होगा? किसी फैमिली ने अपने बच्चा खोया है, बट आपने कॉम्पनसेशन का कहाँ बात किया है? एक्चुअली में तो वो बात है ना, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का कहाँ अपोलोजाइज कब किया है कि वी आर सॉरी, इट वॉज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ वी विल कॉम्पनसेट फॉर द लाइव्स ऑफ आवर चिल्ड्रन. कहाँ लिखा है आपने? बच्चों को इतना, जो आउटस्टेशन बच्चा होता है उसके पेरेंट्स उसको इतना ट्रस्ट के साथ भेजते हैं कि यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स हैं, यहाँ पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, वो हमारे बच्चों का ख्याल रखेंगे. बट यहाँ पर इतना मिसट्रीट हुआ जाता है लैंडलॉर्ड्स द्वारा, कोचिंग इंस्टीट्यूशन द्वारा. सॉरी बोल के क्या होगा? कि मतलब ठीक है, गलती हो गया, हम मानते हैं, वी वेरी सैड अबाउट इट. वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट. वी विल डिमांड फॉर द कॉम्पनसेशन ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. क्योंकि कल कोई भी हो सकता है. इनके इंसिडेंट से पहले, 2 दिन पहले एक और हमारे साथी थे जिनके साथ सेम इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रिक शॉक से. वो भी मेंस दिख रहे थे, ये भी मेंस दिख रहे थे. तो उनके साथ ये हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है ना. हमें चलते हुए अब डर लग रहा है किसी वायर को टच कर लिया, पर दिन हम होंगे उनमें से. तो इसके अलावा उनको हम बात कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं. आप लोग, हम लोगों से बात करिए. हम लोग यहाँ पर पूरे साल रहते हैं. पॉलिटिशियंस 2 मिनट आते हैं, अपने बाइट देते हैं और चले जाते हैं. हम स्टूडेंट्स हैं, हम पूरे साल रहते हैं. आप हमसे बात करिए. आप बात करने ही नहीं आ रहे हैं. क्यों नहीं आ रहे हैं? आप स्टूडेंट्स का डिमांड तभी जान पाएंगे ना जब आप हमारे बीच में आएंगे. और क्या हम यहाँ के वोटर्स नहीं है क्योंकि हम आउट स्टेशन है, इसलिए आप बात करने नहीं आ रहे हैं हमसे क्या? बिकॉज वी आर नॉट द वोट बैंक. हम पिछले 2 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई ऑफिशियल हमसे मिले नहीं एमसीडी का. आप देख सकते हैं हर जगह गंदगी है. अभी मौसम अच्छा हो रहा है, अगर आधे घंटे 1 घंटे की बारिश आपको भी हालत दिख जाएगी, कितना पानी भर जाता है यहाँ पे, पूरा वाटर लॉगिंग हो जाएगा. हमारी डिमांड हमने लिखा था, उनको डिमांड कल सर डीसीपी साहब को हम शाम से दे चुके हैं कि हमारी डिमांड थी जिन जिन लोग कैजुअलिटीज उन्हें पता चले, जो जो लोग इंजर्ड थे उनके बारे में पता चले, कहाँ पे किस हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या कुछ है, एफआईआर की हमें कॉपी मिले, क्या एक्शन है. अभी जो कंडोलेंस लेटर उन्होंने निकाला गया है उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वी आर सैड. उन्होंने कुछ अपोलाइज नहीं करा कि हमारी गलती है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो. दूसरी बात, कोई कंपनसेशन की बात नहीं करी. हमने डिमांड में सब लिखा है कंपनसेशन मिलना चाहिए, मिनिमम 1 करोड़ फॉर कैजुअलिटीज. जो इंजर्ड उनको 50 लाख तो उनको मिलना चाहिए, राइट है. दूसरा हमने बोला कि सीवेज की दिक्कत यहाँ पे बहुत रहती है, इलेक्ट्रिक वायर्स की. नहीं तो सीवेज का कोई काम कर रहा है एमसीडी, नहीं कोई इलेक्ट्रिक वायर्स पे कोई काम हो रहा है. बेसमेंट में हर जगह लाइब्रेरी है. मान लो आज यहाँ पे हादसा हुआ है, कल किसी और लाइब्रेरी में पाना भर जाए. बारिश तो होगी, मानसून से आ रखा है, हर साल आता है. लोग पता नहीं हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हर बार बारिश में ये दिक्कत होता है. ये वजह बड़ा बाजार रोड का, इसको बड़ा बाजार रोड बोलते हैं यहाँ पे राजेंद्र नगर में. आगे जो चौक है ना, हर साल बारिश में पानी भर जाता है. अभी जो लोकल उससे पूछ लो, रिक्शा वाले, कई ऐसी जगह यहाँ पे जहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है. इसका कोई समाधान नहीं होगा जब तक एमसीडी से, तो हम कैसे हमारी लाइफ को सेफ समझेंगे? इतनी दूर से आ रहा है, पेरेंट्स ने हमें भेज रखा है यहाँ पे, तो क्या बेनिफिट है हमारे यहाँ पे? We have
हैव रेज्ड आवर डिमांड्स, वी हैव गिवन देम टाइमलाइन फॉर द डिमांड्स. हमारी डिमांड जैसे कि उन्होंने बताया, हमारी 6 डिमांड्स है. हमें प्रूफ ऑफ लाइफ चाहिए ऑफ द सर्वाइवर्स. वी ऑल्सो वॉन्ट द डिटेल्स ऑफ द डिजीज. We also want copy of the FIR. We also want an independent judicial inquiry to be against all the culprits. And we want this issue to not be repeated again. We do not want any more dead bodies. And we should take this as a wake-up call. That iske regarding kuch to action ya resolution liya jaye. Patel Nagar ki death was not enough. This death is not enough. When will we take action?